निर्गमन अध्याय 17, निर्गमन अध्याय 17। फिर इस्राएलियों की सारी मंडली सीन नाम जंगल से निकल चली और यहोवा के आज्ञानुसार कूच करके रपीदीम में अपने डेरे खड़े किए, और वहां उन लोगों को पीने का पानी न मिला। इसलिए वे मूसा से वाद विवाद करके कहने लगे कि हमें पीने का पानी दे। मूसा ने उनसे कहा, तुम मुझसे क्यों वाद विवाद करते हो और यहोवा की परीक्षा क्यों करते हो? फिर वहां लोगों को पानी की प्यास लगी। तब वे यह कहकर मूसा पर बुड़बुड़ाने लगे कि तू हमें लड़के बालों और पशु समेत प्यासों मार डालने के लिए मिस्र से क्यों ले आया है? तब मूसा ने यहोवा की दोहाई दी और कहा, इन लोगों से मैं क्या करूं? ये सब मुझे पत्रवाह करने को तैयार है। यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएल के वृद्ध लोगों में से कुछ को अपने साथ ले ले, और जिस लाठी से तूने नील नदी पर मारा था उसे अपने हाथ में लेकर लोगों के आगे बढ़ चल। देख, मैं तेरे आगे चलकर होरे पहाड़ की एक चट्टान पर खड़ा रहूंगा, और तू उस चट्टान पर मारना, तब उसमें से पानी निकलेगा जिससे ये लोग पिए। तब मूसा ने इस्राएल के वृद्ध लोगों के देखते वैसा ही किया, और मूसा ने उस स्थान का नाम मस्सा और मरीबा रखा, क्योंकि इस्राएलियों ने वहां वाद विवाद किया था और यहोवा की परीक्षा यह कहकर की कि क्या यहोवा हमारे बीच में है व नहीं। तब अमालेकी आकर रपीदीम में इस्राएलियों से लड़ने लगे। तब मूसा ने यहोशू से कहा, हमारे लिए कई एक पुरुषों को चुनकर छाट ले और बाहर जाकर अमालिकियों से लड़, और मैं कल परमेश्वर की लाठी हाथ में लिए हुए पहाड़ की चोटी पर खड़ा रहूंगा। मूसा की इस आज्ञा के अनुसार यहोशू अमालिकियों से लड़ने लगा, और मूसा, हारून और हूर पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गए, और जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था तब तक तो इस्राएल प्रबल होता था, परंतु जब जब वह उसे नीचे उतारता तब तक अमालेकी प्रबल होता था, और जब मूसा के हाथ भर गए तब उन्होंने एक पत्थर लेकर मूसा के नीचे रख दिया और वह उस पर बैठ गया, और हारून और हूर एक एक अलंग में उसके हाथों को संभाले रहे और उसके हाथ सूर्यास्त तक स्थिर रहे, और यहोशू ने अनुचरों समेत अमालेकियों को तलवार के बल से हरा दिया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, स्मरणार्थ इस बात को पुस्तक में लिख ले और यहोशू को सुना दे कि मैं आकाश के नीचे से अमालेक का स्मरण भी पूरी रीति से मिटा डालूंगा। तब मूसा ने एक वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा निस्सी रखा और कहा, यहोवा ने शपथ खाई है कि यहोवा अमालेकियों से पीढ़ियों तक लड़ाई करता रहेगा।